पर हमारे को कुछ जाते जाते इसने खूबसूरत से गिफ्ट दिया। ऐसे थाली मैंने कभी सजा के नहीं खाई है। गायत्री तुम जा रही हो, तुसी ना जाओ। सुबह सुबह ऐसी मॉर्निंग सामने देखने को मिले तो किसको पसंद नहीं आएगी? तुम्हारे को पसंद आएगी या नहीं आएगी? बहुत ज्यादा, और इतना मस्त सोई हूँ ना मैं। सही है, मजा आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह सुबह उठने का ना एक रीजन है, और जो रीजन मेरे को पहले बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा ये है कि यहाँ पर लग जाता है कि बुफे, पर वो लगता है कि सुबह सुबह, और सुबह सुबह के चक्कर में हमारे को सुबह सुबह उठना पड़ जाता है। इसलिए ना मैं ये पर्दे ना ऐसे खोल के सोता हूँ ताकि मेरे को दिन की लाइट ऐसे चेहरे पर आए। तो इसलिए समझ लीजिए ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो कर आते हैं। क्या है कि ट्रैवल के टाइम पे ना एक अच्छी हैबिट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है सुबह उठने की। पहले तो मेरे को ब्रेकफास्ट करना भी पसंद नहीं होता था क्योंकि मैं ना बहुत ही लेजी था, बट धीरे धीरे सुबह उठना और ब्रेकफास्ट करना ये बहुत ही अच्छा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे को क्या करें? करें सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा एक दिन ट्रैवल करने। पर इनको छुट्टी नहीं मिलती। तो देखो छुट्टी लो और सर घूमने चलो, ब्रेकफास्ट करके आते हैं। ये होता है अच्छा ब्रेकफास्ट। अगर आपके पास अगर एक अच्छी दोस्त है और वो आती है मुंबई से स्ट्रगल करके, तो प्लीज उसको यूज कीजिए, उससे ब्रेकफास्ट तैयार करवाइए। क्योंकि ऐसे थाली मैंने कभी सजा के नहीं खाई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंजारन में हवा कम हो चुकी है यार। नहीं नहीं, देखने में ऐसा लग रहा था पर है नहीं। What a beautiful view. आप क्या कर रहे सकते? यार मैं ना ट्रैवल के टाइम पे ना सबसे मुश्किल हो जाता है सब फाइनेंशियली मैनेज करना। तो मैं काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ट्रैक करना, परफॉर्मेंस चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं एक्सेल वेक्सेल में सब में इसको चेक करता रहता था, बट डेली बेसिस पर इसको चेक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। अब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि सब कुछ इजी टू यूज हो गया है। तो मैं एक ऐप बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, वो है IND Money। IND Money पर आप अपने एक्सपेंस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट यानी कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड सब एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हो। ये ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको आपकी नेटवर्थ भी बताता है, और आप इसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल सेट भी कर सकते हो। और IND Money आपको उस गोल को अचीव करने में मदद करता है। IND Money मुझे डेली बेसिस पर एडवाइजरी सेंड करता है और बताता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और इस ऐप ने जो मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो ये है कि आप इंडिया में बैठकर जीरो ब्रोकरेज, जीरो कमीशन के साथ US के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर आपको IND Money फ्री प्रोवाइड कर रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ISO सर्टिफाइड ऐप है और गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी इसे सर्टिफाइड किया है। पैकिंग डन हो चुकी है जी, हम कहीं नहीं जा रहे। आपके अगर दिमाग में है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। हमारी दोस्त Time to go to Bombay. मतलब ये आई थी यहाँ पर सिर्फ एक शूट के लिए गुलमर्ग में। क्या वेब सीरीज थी कोई? उसका नाम नहीं रिवील कर सकते ना? नाम नहीं रिवील। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है, उसके लिए आई हुई थी। तो उसने एक दिन चुराया हमारे साथ यहाँ पर चिल करने के लिए, तो चिल कर लिया है। अब आज ही जा रही है, 3:30 बजे की फ्लाइट है। पर हमारे को कुछ जाते जाते इसने खूबसूरत से गिफ्ट दिए। गायत्री वेयर इज माय गिफ्ट? आपको दिखाना जरूरी है। मिनीसू का कैप। वाह देख रहे हो लड़के। और ये एडिडास का मास्क, बहुत जरूरी है ये, सबसे बेस्ट गिफ्ट है अभी। और मास्क बहुत जरूरी है। और कैप का सीन क्या था, मैं और आदिल ना इतने दिन से ढूंढ रहे हैं कि हमारे को कोई अच्छी कैप मिल जाए। तो मेरे को लगा वो जो आज तो ऊपर वाले से कुछ और भी मांग लेता वो भी मिल जाता। बस अभी ये मांग रहे हैं कि आदिल और जॉर्डन आ जाए जल्दी से। मेरे को सामने ना एक गाड़ी दिख रही है, क्योंकि फिर से फ्लाइट मिस नहीं करनी। वेरी गुड, आज मिस नहीं होने देंगे, तुम्हारे को टाइम से भेजेंगे। आज नहीं होगा। ओके आदिल मेरे दोस्त, बस बढ़िया बढ़िया। तुझे बस कैसे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तूने बोल दिया, मैंने आज सुबह से बोला भी नहीं था ये बात। अरे थैंक यू। कितना बढ़िया ना आप, बहुत बढ़िया। ये लड़की जा रही है हमारे को छोड़ के, ये आया है इसको छोड़ने के लिए, प्रॉपर काम करना। तो क्या लेके आया? I'm a beautiful Albert man. Oh, so sweet. Thank you so much. आज का जो दिन है वो गिफ्ट का आदान प्रदान का दिन है। गायत्री ने हमको गिफ्ट दिया, ओ कश्मीरी बादाम आए हैं, इससे बुद्धि तेज होगी, फ्लाइट नहीं छूटेगी गायत्री अब तुम्हारी। सत्या एज यूजुअल अपना सनग्लास भूल गया है, और मैं एज यूजुअल कुछ भूल गई हूँ ऊपर अपने एयरपॉड्स, तो सत्या लेने के लिए गया हुआ है। वी विल सी यू आफ्टर अ ब्रेक। ले आए? पहले बताओ कौन से हाथ में, अगर सही हुआ तो ही दूंगा। ये वाले फिर भी ले लो। गायत्री को मैंने ना निकलते हुए पूछा, गायत्री कोई सामान रह तो नहीं गया? गायत्री कहती नहीं नहीं कुछ रह जाएगा तो आ जाएगा, पर गायत्री ये मैं देता नहीं, इसका मैं सिर्फ केस मंगाता। पर अच्छा टाइम से याद आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रस्ते में काम आती।
गायत्री कैसा लगा इतनी सारी चेकिंग के बाद तुम्हारे को एयरपोर्ट पे? ये सिस्टम तो मैंने पहली बार देखा, मतलब स्कैनिंग करो फिर बैग लो और फिर गाड़ी में बैठ के फिर आगे जाओ। ये मतलब मैं बोलूंगा अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट पर आ रहे हो फ्लाइट पकड़ने के लिए तो मेरे को लगता है 2 घंटे पहले आओ, क्या पता कौन से बैग में क्या कितनी चेकिंग करने में टाइम लगेगा। तो टाइम मत लो, बाकी चेकिंग होगी इसलिए सेफ साइड से आप पहुंच रहे हैं। गायत्री हमारी जा रही है। गायत्री तुम जा रही हो, तुसी ना जाओ। खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है और ये जो चीज़ बनाई है ना इसका बहुत बेनिफिट है, जब ये बर्फ गिरती है ना तो इससे सीधा नीचे आ जाती है। अच्छा ये बताओ मजा आया या नहीं आया लास्ट में? बहुत ज्यादा मजा आया, बर्फ भी था लेकिन एंड जो ब्यूटीफुली हुआ है मजा आया। समझो तो मौका मिले तो कश्मीर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। हमारी दोस्त हमारे को छोड़कर चली गई, विदाई दे दी हम दोनों ने उसको। पर एक सच बात बताऊंगा, जब अब जैसे गायत्री आई मुंबई से, जो दोस्त आता ना तो ऐसे लगने लग जाता कि हाँ यार मैं वापस मुंबई में हूँ, वही पुरानी यादें, वही पुरानी मस्ती, वही बातें, सब कुछ वैसे ही याद आने लग जाता है। तो ऐसा मेरे को अभी तक लग ही नहीं रहा कि मैंने मुंबई छोड़ा है। जब मैं मुंबई से निकला था तब श्रीनगर तक तो सलीम मेरे साथ था, उसके बाद सलीम गया, उसके बाद आदिल और जॉर्डन मेरे साथ था, अब बीच में गायत्री भी आ गई है। हम देखते हैं रस्ते में और कौन कौन से दोस्त आएंगे, हमको भी नहीं पता जी, पर मजा तो आ ही रहा है। मजा तो आ रहा है लेकिन जाने के टाइम पे ना बुरा लगता है, जाने के टाइम पे ना वो थोड़ी देर बुरा लगता है कि हाँ यार थोड़ा और रुक सकते थे। क्योंकि टाइम हमेशा ना जितना भी वक्त बिता लो हमेशा ऐसा लगता है कि कम रह गया, कम रह गया। इंसान की फितरत है क्योंकि वो है ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको एक दिल की बात बतानी है। हाँ हम दोनों पता है कौन है? हम दोनों पहचान रहे पहचान लो, याद रखना कि हम लोग कौन है। मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है, वो स्टार ऑफ कश्मीर। छा गए, बहुत छा गए। आप जानना चाहते हो ना कि मेरा वजन कितना कम हो गया? ये सोच लो कि कमर जो मेरी थी वो 2 इंच कम हो गई है और जो 1.5 महीने का बच्चा था पेट से वो लात मार के बाहर निकल गया। ऑल इज वेल। तो इसलिए हमारे को जरूरत पड़ रही है बेल्ट की। ये जो बेल्ट होती है ना बेल्ट, इसकी जरूरत है। ये 2 दिन से तो मैं इसकी आदिल की लेके घूम रहा हूँ। और अब हम पहुंचे बेल्ट लाने। तो हमारे को पसंद आ गई है जी ये एक ब्राउन कलर की बेल्ट को लेने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर आए हैं हम, यहाँ पर मिल रहा है हमारे को 70% ऑफ और हमारे को वॉलेट भी दिखाया जा रहा है। सर जी कोई अच्छा साफ पीस निकाल के लेकर आ रहे हैं, बढ़िया सा स्पेशल वन। मैं ऐसा शॉपिंग एडिक्टेड इंसान हूँ कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है सामान, पर मेरे को कुछ ना कुछ फिर भी पसंद आ जाता है। मेरे को ये कलर इतना बढ़िया लग रहा है ना, क्योंकि हमारे को जो 2 दिन के बाद एक बड़ी ही अच्छी सी लोकेशन पर जाना है तो वहाँ पर ये अच्छा लगेगा। बस कर पगले बहुत खर्चा हो जाएगा, समझा अपने दिल को। सर जी की घंटों की मेहनत के बाद हमारे को सर क्या मिला हमने? हमने ये देखा था सर करे आपको फ्रेश पीस देते निकाल के। ओके तो मैं कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो फिर पैसे आएंगे तो वॉलेट ले लिया हमने अकाउंट में डालने के लिए। मजाक मजाक में हो गया जी 1100 रुपये का खर्चा। ये खर्चा वैसा था कि जो ज़रूरी था वॉलेट, क्योंकि हमारे को लगा काफ़ी टाइम से हमने चेंज नहीं किया और 70% डिस्काउंट मिल रहा है, वाई नॉट ब्रो वाई नॉट। तो हमने चक दीते फट्टे चक दीते फट्टे फट्टे चक दीते बेल्ट नाल भी चक दीते फट्टे, क्योंकि जीन्स जो हमने पहले ली थी वो हमने ली थी कितना 33-34 थी 34। और अब हो गया होगा 2-3 इंच कम हो गया, तो ऐसा कोई भी हमारे को खींच के हमारी जीन्स नीचे उतार दे, इससे अच्छा बेल्ट पहन लो वीरे। अपनी इज्जत, आपकी इज्जत अपने हाथ में है। 500-700 रुपये में अगर इज्जत बचती है तो बचा लो। तो हमने खर्चा कर दिया, हमने कहा इज्जत बचनी बहुत जरूरी है। इसीलिए अब जा रहे हैं जी, भूख लग रही है हमारे को, तो खाना वाना खाएंगे उसके बाद समझते हैं। और वैसे श्रीनगर में बहुत तगड़ी धूप हुई पड़ी है, हमारे को समझ भी नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ बारिश हो जाएगा सबसे, व्लॉग चाहे एक कम बन जाए और मौसम खूबसूरत हो जाए। भूख लगी थी हमारे को मस्त करके, और मस्त करके हमने खाना खाया और बड़ा ही हमने देसी सा ढाबा ढूंढा था, फुल वेज ढाबा है कृष्णा वैष्णो ढाबा, और क्या प्योर वेजिटेरियन खाना है, मतलब ऐसे घर का फील था उस खाने में, मज़ा आ गया। पर्सनली रेकमेंड करूँगा मैं आपको कि अगर आप आते हो श्रीनगर में तो ये ढाबे पर मस्त खाना खा के आना, बहुत ही सस्ता टिकाऊ और बहुत ही टेस्टी खाना है, मतलब मज़ा आ गया। उसके बाद आदिल को मैंने भेज दिया क्योंकि मैंने कहा इतनी गर्मी में हम क्या ही करेंगे, तो आप घर जाओ तब तक हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, इतनी धूप के चक्कर में ना
6 से लेके 8 बजे तक का टाइम बहुत ही खूबसूरत होता है जिस टाइम पे गोल्डन आवर चल रहे होते हैं, तो इसलिए हम भी थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। हमारे साथ एक हादसा हो गया जी, मतलब हमने सोचा था कि सोएंगे थोड़ी देर, पर ये सोते सोते हमारी आँख ज़्यादा देर के लिए लग गई क्योंकि गर्मी इतनी थी। और ये बाहर देख रहे हो, बाहर हो गई है जी रात, रात के बज गए हैं 9। अब तो क्या ही बाहर जाएंगे, इससे अच्छा कि आज रेस्ट कर लेते, क्योंकि आगे अभी एक दो दिन में हम बाहर निकलने वाले हैं, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं जो शायद अभी तक मैंने भी नहीं देखी और आप लोगों ने देखी है नहीं देखी, कल आपको बताएंगे कि कौन सी जगह है। जब नींद ले ही रहे हैं तो फिर अच्छे से नींद ले लेते हैं। तो ठीक है जी, हम तुसी आपका ख्याल रखो, असी आपका ख्याल रखेंगे, चंगा फिर, रब रखा। और INDMoney मनी एक सुपर मनी ऐप है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा, तो जाकर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।